Mustafa, 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 Mustafa. हम लोग दीवाने हैं, लगाएंगे ये नारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, जो सबसे हसी, सबसे अलग, सबसे आला, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा. कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा. वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है सरकार. सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान, दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चांद को टुकड़े, डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा. हम लोग दीवाने हैं, लगाएंगे ये नारा, मुस्तफा है हमारा, मौला है हमारा, मुस्तफा है हमारा, मौला है हमारा. वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है सरकार. खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया, बेवाओं यतीमों को गले जैसे लगाया, एक दूध के प्याले से ही 70 को पिलाया. करता है मदीने से जो दुनिया का नजारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा. हम लोग दीवाने हैं, लगाएंगे ये नारा, मुस्तफा है हमारा, मौला है हमारा, मुस्तफा है हमारा, मौला है हमारा. वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है सरकार. वो जिसके सहाबा भी सितारों की तरह है, और आल नबी राज दुलारों की तरह है, जितने मुखालिफ वो कवारों की तरह है. हम लोग दीवाने हैं, लगाएंगे ये नारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा. हम लोग दीवाने हैं, लगाएंगे ये नारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा. वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है सरकार. तो उसका ही फरमान चलेगा, वो जिस पे है अल्लाह ने कुरान उतारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा. हम लोग दीवाने हैं, लगाएंगे ये नारा, मुस्तफा है हमारा, चला है इस्लाम की अजमत के लिए दर
दर्द सहा है, अपने ही नहीं गैरों को भी माफ किया है। तो हीन कभी होगी नहीं उसकी गवारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। हम लोग दीवाने हैं लगाएंगे ये नारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। जैसा कि रबी अव्वल का मौका चल रहा है, कल 12 रबी अव्वल है, उसी मौके पे पिछले 12 साल से कैंसर पेशेंट्स के लिए फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग, जो कि हम लोग तमाम लोग संतोष नगर एरिए से बिलोंग करते हैं, पूरे नौजवान जितने भी हैं यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से हम लोग फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सरकार की नाम की खातिर और उनके बर्थडे के खातिर। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जो कोई भी ये देख रहे वो ये मैसेज आगे तक पहुंचाए और उनको भी करने की ये तौफीक अता करे अल्लाह ताला, और उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। बुरवे अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे भाई ने बताया, अभी हम 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मिलादुन्नबी के मौके पर यहाँ पर आते हैं, लोग से मिलते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ चीज़ा। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमको बताना ये है कि जो आजकल की जो कौम जो आज तबाह है, रातों में बैठ के नौजवाना जो सिगरेट पीना, गुटखा खाना और नशा, जो भी नशा करते हैं, एक मरतबा सबसे एक अपील है, एक मरतबा कैंसर हॉस्पिटल को आइए और यहाँ के लोगों से मिलिए और देखिए यहाँ पे क्या हाल में लोग तड़प रहे हैं। तमाम नौजवानों से एक अपील है मेरे भाई कि एक मरतबा हॉस्पिटल को आइए, विज़िट करिए, देखिए यहाँ पर ज़्यादातर नौजवान तड़प रहे हैं। वो तो तड़प रहे हैं, उनके साथ उनके वालिदैन वालदा तड़प रहे हैं, बीवी बच्चे तड़प रहे हैं। एक मरतबा है कि आप लोग इस पर तवज्जो दीजिए, और हमारे तमाम भाइयों से गुजारिश है कि ये गलत जो शौक कर रहे हैं बच्चे नशे की हालत में, ये चीज़ों से कि ज़रा वो करिए। बस इतना ही बोलना है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।